Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with Merchant of Venice written by William Shakespeare, Act 2, Scene 6. पहले के scenes already explained है, आप please जाके हमारे descriptions में link है, आप please वहाँ से जाके सुन लीजिए. So, क्योंकि आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि पहले के scenes अगर आपको explained होगे, तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. And please students, please like and share my channel and please press the like button and please press the bell icon to get instant notifications of all my videos. और अगर आपको इसके बावजूद भी कुछ पढ़ना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए. मैं जैसे कहती हूँ, मेजोरिटी जिसकी ज्यादा कमेंट होंगी मैं उसे जरूर कोशिश करूंगी पढ़ाने की. ओके, सीन 6, द स्ट्रीट बिफोर शाइलॉक्स हाउस. एंटर ग्रेशियानो एंड सेलेरिनो मास्क. अब वो लोग आते हैं मास्क पूरा पहन के. ग्रेशियानो, दिस इज द पेंट हाउस अंडर विच लोरेंजो डिजायर्ड अस टू मेक स्टैंड. यही वो घर है जहां पे लोरेंजो ने कहा था हमें वेट करने के लिए. सेलेरिनो, हिज आवर इज ऑलमोस्ट पास्ट. बट ऑलरेडी वो जो अपॉइंटेड आवर था वो तो पास्ट हो गया है. और हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज आप याद रखिएगा कि ये सीन्स जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रॉम द ड्रामा पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, ग्रेशियानो एंड इट इज मार्वेल ही आउट ड्वेल्स हिज आवर. ठीक है, काफी इट इज स्ट्रेंज है कि उसने जो है वो लेट कर दिया है. फॉर लवर्स एवर रन बिफोर द क्लॉक. क्योंकि लवर्स जो होते हैं वो हमेशा वक्त से पहले आते हैं. सेलेरिनो, ओ टेन टाइम्स फास्टर वीनस पिजन्स फ्लाई. तो यहां पे वो कह रहे हैं कि जब मतलब जो पिजन्स फ्लाई, यानी कि द सील इज लव्ड बॉन्ड्स न्यू मेड. जो नए जो कपल्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, हर चीज बहुत ही वक्त से पहले करते हैं, वक्त से पहले पहुंचते हैं. तो वही वो यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं कि जो 10 times फास्टर रन करते हैं वीनस के जो पिजन्स है. देन दे वो आर वॉन्ट्स टू कीप ओब्लीच फेथ अनफॉरफिटेड. यानी कि जब वो वही कपल जब पुराने हो जाते हैं तो वो लोग अपना वक्त को और अपने टाइम को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और ना ही अपने प्रोमिसेस को. ओके, ग्रेशियानो, ये इंपॉर्टेंट स्पीच है ग्रेशियानो की. ओके, वो पार्ट में एक्सप्लेन किए हैं. दैट एवर होल्स, नंबर वन वो कहते हैं, हु राइज़ेथ फ्रॉम अ फीस्ट विद दैट कीन एपेटाइट दैट ही सिट्स डाउन. वो कहते हैं मिसाल देकर कि क्या जो लोग जो एक फीस्ट यानी कि टेबल में बैठते हैं खाना खाने के वक्त में, क्या जब वो उठते हैं तो क्या उनका वो सेम एपेटाइट रहता है, क्या सेम भूख लगता है उन्हें. सेकेंड वो कहते हैं, वेयर इज द हॉर्स दैट डॉट अनट्रेड अगेन हिज टीडियस मेजर विद द अनबेटेड फायर दैट ही डिड पेस देम फर्स्ट. क्या वो उसी पैशन से, जब वो हॉर्स एक निकलता है जिस पैशन से वो दौड़ता है, क्या जब वो वापस आता है तो क्या उसी पैशन में वो रहता है. ऑल थिंग्स दैट आर विथ मोर स्पिरिट चेस्ड देन एंजॉयड. मतलब वो कहते हैं कि हर एक चीज जब हम लोग उसको चेस करते हैं तो ज्यादा एंजॉय करते हैं. दैट इज ट्रू. अगर आज आपको कोई फोन खरीदना हो तो आप उसके पीछे पैसे जमा करते हो या बहुत दिन से सोचते हो, बट जैसे आप वो चीज आपको मिल जाती है तो वो उसका जो प्लेजर है वो हार्डली कुछ दिन का होता है. एंड दैट इज वेरी वेरी मच एविडेंट. ओके, हाउ लाइक अ योनकर और अ प्रोडिगल द स्कफ्ड बक पुट्स फ्रॉम हर नेटिव बे. Hugged and embraced by the trumpet wind, how like a prodigal doth she return? क्या वो ships की मिसाल दे रहे हैं कि क्या जो ship जो है वो बहुत ही मतलब एक trumpets वम्पेट्स blow होते हैं जब वो निकलती, क्या वो उसी पे आती है with over weathered ribs and rack sails. जब वो पूरा मतलब ships भी बहुत खराब हो जाती है ना weather की वजह से, इसकी वजह से. तो वही वो कह रहे हैं, lean wrench and beggars by the trumpet wind. वो पूरी wind से वो खराब हो जाती है. जिस विंड मतलब जिस स्पीड जिस वो मतलब वो जो उनका जो फ्लैग्स होता है ना, वो जिस विंड से वो खूबसूरती से चमकती है जब वो निकलती है, वही विंड वही फ्लैग जो है वही विंड उसका पूरा खराब कर देता है. जब वो वापस आती है तो काफी मतलब वो शिप का जो कंडीशन है वो उतना अच्छा नहीं होता. सेलेरिनो, हियर कम्स लोरेंजो, मोर ऑफ दिस हियर आफ्टर. अब हम लोग कह रहे हैं कि अब लोरेंजो आए हैं तो हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे. एंटर लोरेंजो. लोरेंजो, स्वीट फ्रेंड्स, योर पेशेंस फॉर माई लॉन्ग अबोर्ड. आप लोग जितना वेट किए, नॉट आई बट माई अफेयर्स हैव मेड यू वेट. मेरा नहीं, क्योंकि मुझे कुछ काम आ गया था इसीलिए आप लोग को वेट करना पड़ा. वेन यू शैल प्लीज टू प्ले द थीव्स फॉर वाइफ. सब आप अपनी वाइफ को मतलब भगाएंगे. आई विल वॉच इज लॉन्ग एज फॉर यू देन. मैं भी ऐसे ही वेट करूंगा. अप्रोच, हियर ड्विल्स माई फादर ज्यू हो हूज विद इन. अब वो कहते हैं कि देखो ये जो फादर का जो घर है यहाँ पे है, वो कहते हैं कौन है, केसमेंट
विंडो ओपन्स अबव द डोर एंड जेसिका लीन्स आउट, शी इज इन अ बॉयज ड्रेस, वो लीन कर देती है और वो लड़के के कपड़े में होती है. जेसिका, हु आर यू, टेल मी फॉर मोर सर्टेनिटी, कौन हो तुम. एल्बिट, आई विल स्वेयर दैट आई डू नो योर टंग, मैं फिर भी तुम्हारी आवाज तुम्हें पहचान पा रही हूँ, तुम बताओ कौन हो तुम. लॉरेंजो एंड दाई लव, वो कहते लॉरेंजो तुम्हारा प्यार. जेसिका, लॉरेंजो सर्टेन एंड माई लव इन डीड, फॉर हु लव आई सो मच, इससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ. एंड नो एंड नाउ हु नोज बट यू लॉरेंजो वेदर आई एम योर्स, ठीक है. वो कह रही क्या तुम भी मुझसे इतना प्यार करते हो. लॉरेंजो, हेवन एंड दाई थॉट्स आर विटनेस दैट दाउ आर्ट, हेवन और को पता है और मेरे थॉट्स को पता है कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ. जेसिका, हियर कैच दिस कास्केट, इट इज वर्थ द पेन्स, वो उसको देती है, कहती पकड़ो पकड़ो इसमें तुम्हारा मतलब तुम जिसको पकड़ने में जो तुमको जो तकलीफ होगा वो वर्थ इट है क्योंकि इसमें काफी बहुत कुछ है. शी लोअर्स द कास्केट, आई एम ग्लैड इट इज नाइट, यू डू नॉट लुक ऑन मी, फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज, मतलब वो कह रही कि अच्छा रात हो रहा है तो मुझे वैसे नहीं देख पा रहे हो क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस इन कपड़ों में. बट लव इज ब्लाइंड, वो कहती है, एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज दैट देमसेल्व्स कमिट, अभी तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग प्यार में जो प्रिटी फॉलीज हम लोग कमिट कर रहे हैं. फॉर इफ दे कुड, क्यूपिड हिमसेल्फ वुड ब्लश टू सी मी दस ट्रांसफॉर्म टू अ बॉय, जो क्यूपिड है जो जो सन ऑफ वीनस है, ओके, वो खुद हंसेंगे अगर वो मुझे इस हालत में देखेंगे. ओके, लॉरेंजो डिसेंड फॉर यू मस्ट बी माई टॉर्च बेरर, तुम ही मेरा टॉर्च बेरर. जेसिका, वॉट, मस्ट आई होल्ड अ कैंडल टू माई शेम्स, नहीं नहीं क्या मैं कैंडल पकड़ूंगी. देन दे इन देमसेल्व्स गुड सूट आर टू टू लाइट, व्हाई इट इज इन ऑफिस ऑफ डिस्कवरी लव एंड आई शुड बी ऑब्सक्योर्ड. यहाँ पे वो बहुत एम्बेरस्ड है तो कहती नहीं नहीं मुझे अपने आप को छुपाना है, मुझे अपने आप को रिवील नहीं करना है. लॉरेंजो, सो आर यू स्वीट इवन इन द लवली गार्निश ऑफ अ बॉय, तुम बहुत ही स्वीट लग रही हो अगर तुम एक लड़के कपड़े में भी हो. बट कम एट वंस फॉर द क्लोज नाइट डॉट प्ले द रन अवे एंड वी आर स्टेट फॉर एट बसानियोस फीट, जल्दी करो क्योंकि हम लोग के साथ हम लोग का वेट कर रहे हैं बसानियो के इसमें बैंकवेट में. जस्ट आई विल मेक फास्ट द डोर्स एंड गिल्ड माई सेल्फ, मैं जा रही हूँ ताला लगाने और भी डकेट्स लेकर आऊंगी विथ सम मोर डकेट्स एंड बी विथ यू स्ट्रेट, और मैं जल्दी आ जाऊंगी. एग्जिट हो जाता है, एग्जिट अबव ग्रेशियानो, नाउ बाय माई हुड अ जेंटील एंड नो ज्यू, वो कह रहे हैं आपके ये जो है वो एक ज्यू नहीं है. लॉरेंजो विश यू मी बट आई लव हर हार्टली, वो कहते हैं कि मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा. फॉर शी इज वाइज इफ आई कैन जज ऑफ हर, क्योंकि ऐसा ही नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइज है. एंड फेयर शी इज इफ दैट माइन आईज बी ट्रू, बहुत ही ज्यादा वो ब्यूटिफुल है. एंड ट्रू शी इज एज शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ, और वो सच्ची भी है. एंड देयरफॉर लाइक हरसेल्फ वाइज फेयर एंड ट्रू, वो कंपेयर कर रहे कि वो वाइज भी है फेयर भी एंड ट्रू भी है. शैल शी बी प्लेस्ड इन माई कंस्टेंट सोल, तो इसी के वजह से मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में हमेशा रहेगी. जेसिका कम्स आउट, जेसिका आती है, व्हाट आर्ट दाउ, कम ऑन जेंटलमैन वे अवे आवर मास्क्विन मेट्स बाय दिस टाइम फॉर अ स्टे, तो वो कह रहे कि जल्दी करो हमारा जो गेस्ट है वो मतलब हमारे जो लोग है वो हमारा वेट कर रहे. ही एग्जिट विद जेसिका एंड सालारिनो, एंटर एंटोनियो, एंटोनियो एंटर होता है. एंटोनियो, हु इज देयर, ग्रेशियानो, सिग्नियर एंटोनियो, एंटोनियो, फाइव फाइव ग्रेशियानो, वेर आर ऑल द रेस्ट, कहाँ है बाकी सब. इट्स 9 o'clock, आवर फ्रेंड्स आर ऑल स्टे फॉर यू, नो मास्क टू नाइट, द विंड इज कम अबाउट, वो कहते हैं कि कोई मास्क मत करना, ओके विंड है. मास्क बसानियो प्रेजेंटली विल गो अब्रॉड, बसानियो अब्रॉड जा रहे. आई हैव सेंट 20 आउट टू सीक फॉर यू, मैंने 20 लोगों को भेजा तुमको देखने के लिए. ग्रेशियानो, आई एम ग्लैड ऑन इट, आई डिजायर नो मोर डिलाइट दैट टू बी अंडर सेल एंड गॉन टू नाइट, वो कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आज रात वहां जाना है, ओके, सेल करना है, मुझे जाना है. और यहाँ पे एग्जिट हो जाता है. तो स्टूडेंट सीन 6 ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत जल्द से जल्द मैं आपको सारे सीन्स एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो जाए. तो प्लीज अगर आप सुनने के बाद अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज लाइक किया कीजिए, क्योंकि जितने मुझे लाइक्स मिलते हैं मुझे उतनी मोटिवेशन मिलती है. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू.